के खिलाफ गुजरात की शानदार जीत के बाद बदल गया आईपीएल 2023 का पूरा पॉइंट्स टेबल। गुजरात की जीत के बाद मुंबई की टीम पहुंची प्लेऑफ में, तो क्या है पूरा पॉइंट्स टेबल और कौन सी टीम कितने अंकों के साथ किस पायदान पर मौजूद है और कौन सी टीम हो चुकी है प्लेऑफ की रेस से बाहर, बताएंगे आपको सब कुछ इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों उससे पहले आईपीएल 2023 में आपकी फेवरेट टीम कौन सी है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आईपीएल 2023 का 17वां मुकाबला गुजरात और बेंगलोर के बीच खेला गया। इस मुकाबले में गुजरात ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी बेंगलोर की शुरुआत बेहद ही शानदार देखने को मिली, जहां डु प्लेसिस ने 28 और विराट कोहली ने 101 रनों की तूफानी पारी खेली। बाकी के खिलाड़ी कुछ खास कमाल नहीं कर पाए, जिसका नतीजा ये हुआ कि बेंगलोर ने 198 रनों का लक्ष्य गुजरात के सामने रखा। लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुजरात की शुरुआत खास देखने को नहीं मिली और रिद्धिमंश 12 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन उसके बाद विजय शंकर और शुभमन गिल ने पारी को संभाला, जहां विजय शंकर ने 53 और गिल ने 104 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसके बदौलत गुजरात ने इस मुकाबले को 6 विकेटों से अपने नाम कर लिया और इसी के साथ बेंगलोर की उम्मीदों को भी करारा झटका लगाया। तो क्या है पूरा पॉइंट्स टेबल, चलो आपको बताते हैं। दोस्तों सबसे पहले आती है गुजरात की टीम, जिसने अभी तक 14 मुकाबले खेले, जहां उन्हें 10 मुकाबलों में जीत मिली और 4 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है, जो कि 20 अंकों के साथ पहले पायदान पर मौजूद है। उसके बाद चेन्नई की टीम आती है, जिसने अभी तक 14 मुकाबले खेले हैं, जहां उन्हें 8 मुकाबलों में जीत मिली और 5 मुकाबलों में हार झेलनी पड़ी है, जो कि 17 अंकों के साथ दूसरे पायदान पर मौजूद है। उसके बाद लखनऊ की टीम आती है, जिसने अभी तक 14 मुकाबले खेले हैं, जहां उन्हें 8 मुकाबलों में जीत मिली और 5 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है, जो कि 17 अंकों के साथ तीसरे पायदान पर मौजूद है। उसके बाद मुंबई की टीम आती है, जिसने अभी तक 14 मुकाबले खेले हैं, जहां उन्हें 8 मुकाबलों में जीत मिली और 6 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है, जो कि 16 अंकों के साथ चौथे पायदान पर मौजूद है। उसके बाद बेंगलोर की टीम आती है, जिसने अभी तक 14 मुकाबले खेले हैं, जहां उन्हें 7 मुकाबलों में जीत मिली और 7 मुकाबलों में हार, जो कि 14 अंकों के साथ पांचवें पायदान पर मौजूद है। उसके बाद राजस्थान की टीम आती है, जिसने अभी तक 14 मुकाबले खेले हैं, जहां उन्हें 7 मुकाबलों में जीत मिली और 7 मुकाबलों में मुंह की खानी पड़ी है, जो कि 14 अंकों के साथ छठे पायदान पर मौजूद है। उसके बाद कोलकाता की टीम आती है, जिसने अभी तक 13 मुकाबले खेले हैं, जहां उन्हें 6 मुकाबलों में जीत मिली और 7 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है, जो कि 12 अंकों के साथ सातवें पायदान पर विराजमान है। उसके बाद पंजाब की टीम आती है, जिसने अभी तक 14 मुकाबले खेले हैं, जहां उन्हें 6 मुकाबलों में जीत मिली और 8 मुकाबलों में हार, जो कि 12 अंकों के साथ आठवें पायदान पर मौजूद है। उसके बाद दिल्ली की टीम आती है, जिसने अभी तक 14 मुकाबले खेले हैं, जहां उन्हें 5 मुकाबलों में जीत मिली और 9 मुकाबलों में शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है, जो कि 10 अंकों के साथ 9वें पायदान पर मौजूद है। उसके बाद हैदराबाद की टीम आती है, जिसने अभी तक 14 मुकाबले खेले हैं, जहां उन्हें 4 में जीत मिली 10 मुकाबलों में हार, जो कि 8 अंकों के साथ 10वें पायदान पर मौजूद है। दोस्तों इसी के साथ गुजरात, चेन्नई और मुंबई की टीम प्ले ऑफ में क्वालिफाई कर चुकी है। लेकिन दोस्तों आप सभी को क्या लगता है आईपीएल 2023 का खिताब कौन करेगा, अपने नाम कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा।